केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को किया गया नशे के खिलाफ जागरूक, डिप्टी कमिश्नर रहे उपस्थित। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबर द न्यूज। विदिशा के केंद्रीय विद्यालय के बच्चे अपनी शिक्षा के उत्कृष्ट नीतियों के साथ संस्कारों के बलबूते नशा मुक्ति अभियान में भी अग्रणी रहकर समाज को नशा मुक्त बनाने में भागीदारी निभाएंगे। ये बात केंद्रीय विद्यालय संगठन भोपाल डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर आर सेंदिल कुमार ने विदिशा में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस एवं सामाजिक संस्था अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति द्वारा केंद्रीय विद्यालय में आयोजित नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत आयोजित शिविर और प्रदर्शनी में कही। उन्होंने कहा कि बच्चे नशा मुक्त समाज बनाने के संदेश के सच्चे संवाहक होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में स्कूल के बच्चों को नशे का भयावह परिणामों से अवगत कराना अत्यंत आवश्यक हो गया है। मादक पदार्थों के उपयोग और तस्करी से समाज को बहुत नुकसान होता है, इसे रोकने समाज के हर वर्ग को जिम्मेदारी के साथ आगे आना होगा। इस अवसर पर अजंता ललित कला की अध्यक्षा इंदिरा शर्मा ने कहा कि जिले के शिक्षण संस्थानों में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान निरंतर चलाने की आवश्यकता है, ताकि स्कूल के छात्र छात्राओं को नशे के भयावह परिणामों की जानकारी मिल सके। आज के बच्चे कम उम्र में ही नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, जिससे भारत का भविष्य खतरे में है। आज के बच्चे कल के भारत का भविष्य हैं, अतः बच्चों को नशे के चंगुल में ना आने देने के लिए हमें स्कूली समय में व्यापक कदम उठाने पड़ेंगे। कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर के रूप में उपस्थित रहे वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि समाज में अनेक बच्चों के अभिभावकों द्वारा नशा करने के कारण उनके बच्चों की शिक्षा और पूरा भविष्य अंधकारमय हो जाता है। बच्चों द्वारा घर में नशे का प्रतिकार करने से आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। साथ ही नशे के कारण होने वाली घरेलू हिंसाएं, गृह क्लेश आदि से बच्चों का मन मस्तिष्क प्रभावित होता है, वह भी नशे की राह पर निकल पड़ते हैं। इस अवसर पर नशा मुक्ति कार्यक्रम में कई सारे अतिथि और अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से नशा मुक्ति प्रचार कर सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई और नशा मुक्ति पंपलेट्स का वितरण किया गया। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। होश में नहीं रहता। आपको एक बात जानकारी मैं दूं कि भारत में 16 करोड़ लोग नशे की लत से परेशान हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। 3,01,00,000 लोग गांजे से परेशान हैं, 2,03,00,000 लोग अफीम की लत से परेशान हैं, और 7,00,000 भारतीय लोग सूंघने वाले नशे करते हैं। कई बार एक बात आपके ध्यान में जरूर आएगी कि जब आप नशा मुक्ति की बात करेंगे तो लोग आपसे ये कहेंगे, सबसे पहला सवाल लोग ये ही करते हैं कि ये सरकार ही तो बिकवाती है, सरकार नशे बंद करा दे, हम पीना बंद कर देंगे, एक ही बात आती है। तो आपको उसका उत्तर देना आना चाहिए कि सरकार किस कारण से कितनी मात्रा में क्या चीज बिकवाती है, वो सरकार का विषय है। एल्कोहल जो होता है शराब में, वो मेडिसिन के बहुत काम आता है। तो लोगों को यह भी जानकारी नहीं है। लोग केवल इतना करते हैं कि हमारे यहाँ कई माताएं आती हैं, वो ये कहती हैं कि हमारा लड़का तो उतना ही नशा करता है, ज्यादा नशा नहीं करता, वो तो पी के सो जाता है, थोड़ी सी पीता है। वो तो जो सामने वाली आंटी है ना, उनका लड़का ज्यादा खराब है, वो तो 3-4 बार खाने में भी बंद हो चुका है, वो तो उसने पत्नी का भी तलाक कर दिया, उसको इलाज की जरूरत है। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग छोटी सी चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं, थोड़ा सा भी कर रहा है तो क्यों कर रहा है। आर्थिक और नैतिक पतन का कारण है। मेरा विश्वास है कि नशा मुक्ति अभियान सामाजिक उत्थान एवं मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज से शराब या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, ना ही इसका सेवन करने वालों का समर्थन करूंगा।
मैं शराब या अन्य मादक पदार्थों के व्यापार से धन अर्जित नहीं करूंगा। मैं नशा मुक्ति अभियान के अवसर पर संकल्प लेता हूं कि नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने में पूरा सहयोग करूंगा। जय हिंद। की गिरफ्त में हर 10वां बच्चा, ऐसे बच्चों को तत्काल इलाज की आवश्यकता होती है। इनके निराकरण हेतु तो भारत सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग एडिक्शन डिमांड रिडक्शन नाम से 2023 तक के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। और उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने नशा मुक्त मध्य प्रदेश अभियान शुरू किया है। और इस अभियान में मैं चाहूंगा कि सेंट्रल स्कूल के बच्चे नशा मुक्त अभियान के वॉलंटियर के रूप में काम करें। आपको कोई पढ़ाई छोड़ के काम नहीं करना, आपको केवल जो है जागरूकता रखनी है। और जो लोग नशा कर रहे हैं उनके लिए आपको प्रेरित करना है कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, एक बार इसकी गिरफ्त में आ गए तो वापस आना बहुत मुश्किल है। एक सूंघने वाला पाउडर वाला नशा देखा है आप में से? सामाजिक न्याय विभाग विदिशा के सहयोग से केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को नशा मुक्ति समाज बनाने की प्रेरणा दी गई और बच्चों ने यहां पर नशा मुक्ति क्लब का गठन किया। और ये क्लब समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार, आई एम संदिल कुमार, डिप्टी कमिश्नर फ्रॉम केवीएस भोपाल रीजन। आई एम वेरी हैप्पी टू सी अ प्रोग्राम हियर व्हिच इज एंटी ड्रग अब्यूज एंड दिस इज अ वेरी वेरी थॉटफुल एंड यूजफुल प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। दे आर ऑल इन इंप्रेशनेबल एज एंड क्वाइट लाइकली दैट सम ऑफ देम विल गेट sidetracked and get into the habit of smoking or using drugs. And so this kind of a sensitization program, awareness program, will help us a lot to wean the student out of such kind of addiction. I appreciate the team which conducted the program, and I also thank the teachers who supported it. And this was a program that has to be continued and the children have to be guided a lot. Thanks a lot for everything.